एरोसोल बॉक्स बनाने के लिए हमें चाहिए 5 ml एक्रेलिक शीट, जो कि हमें और 3-in-1 PVC शीट। एक्रेलिक शीट को पहले हमें जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पे 3-in-1 लगा देंगे इस तरीके। ये निकले ना, ये जैसे पूरा फेविकॉल लगाने के बाद इसको थोड़ा सूखने दीजिए, थोड़ा लगे सूखने के बाद में इस तरीके से उसमें फिक्स कर लीजिए। टू साइड हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब भी एरोसोल बॉक्स बना रहे हैं तो ये सिंगल होल हमेशा डॉक्टर के राइट साइड में होना चाहिए। जो भी पार्ट हम लगा रहे हैं उसे फेविकॉल से चिपका के लगाना चाहिए। ताकि ये हिले ना। ऊपर का टॉप भी हमें फेविकॉल से चिपका दिया है, ऊपर से हम चिपका दिए इसे। इस तरीके से आप ये लगा सकते हैं। लास्ट में हम एरोसोल बॉक्स बनने के बाद में नीचे ये लगाना है, जिसे इसे भी हमने फेविकॉल से चिपका लिया है। ये PVC शीट हमने पहले ही कट करके रख लिया है और ऊपर हमने इसे डबल साइड टेप लगाया है, इसे और इसे। अब हम ये PVC शीट का टेप निकाल कर ये होल में चिपकाएंगे इस तरह। तीनों होल्स में इस तरह से चिपका देना चाहिए। वो 3 होल्स को PVC चिपकाने के बाद में अब ये फाइनली इसे सामने चिपकाना है। ये बॉक्स क्लोज हो जाए इस तरीके से। ये अब हमारा एरोसोल बॉक्स बन चुका है। ये बॉक्स बनने के बाद में लास्ट में हमें ये सिंगल साइड गमीवा लेकर 2 साइड इस तरह से चिपका देना है, ताकि ये हम पकड़ के उठा सकें। अब ये हमारा एरोसोल बॉक्स पूरी तरीके से बन चुका है, जिस तरह से दिखेगा बनने के बाद।